पाने का। अगर आप में है जुनून तो कदम बढ़ाइए। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही नमस्कार, वंदे मातरम में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना मिश्रा। वैसे तो आरक्षण की व्यवस्था हमारे समाज में काफी पुरानी है, इसका इतिहास काफी पुराना है, लेकिन बजाय वर्तमान में जाने के हम इसके फ्यूचर की बात करेंगे। इसके वर्तमान एस्पेक्ट को देखते हुए हम आपको बता दें कि संविधान के निर्माताओं ने जिस उद्देश्य को रख करके इस आरक्षण की व्यवस्था की थी, वो व्यवस्था सही में अपने उद्देश्य को प्राप्त हुई या नहीं हुई, इस पर हम चर्चा करेंगे। और समाज के पिछड़े तबकों के लिए जो फिलोसॉफी को लेकर के व्यवस्था की गई थी, वो 64 साल पूरे हो जाने के बाद भी क्या पूरा हो पाया है, ये अपने रास्ते से भटक गया है, या क्या आरक्षण राजनीति की दुकान चलाने का एक जरिया मात्र रह गया है। समाज में अब बहस इस बात पर भी हो रही है कि क्या आरक्षण, जो कि अब तक जाति आधारित थी, उसे खत्म कर उसका आधार आर्थिक कर दिया जाए। ऐसे दर्जनों सवाल है जिस पर हम चर्चा करेंगे, और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में मौजूद रहेंगे समाजशास्त्री डॉक्टर गौतम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्योति सिंह। लखनऊ से इसके अलावा हमारे साथ जुड़ेंगे और गेस्ट समाजवादी पार्टी के नेता विजय कुमार सिंह, और देहरादून से बीजेपी के नेता उमेश अग्रवाल हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा फोन लाइन पर बीएसपी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और रामचंद्र पासवान, जो कि बीएसपी के नेता, वो भी जुड़ेंगे, और मुक्कल नवाब जो कि मुस्लिम चिंतक हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। फिलहाल करते हैं वंदे मातरम की शुरुआत। तो चर्चा को शुरू करने से पहले दिखाते हैं प्रकाश झा की फिल्म आरक्षण का एक क्लिपिंग, उसके बाद हम अपने मेहमानों से लेंगे इस क्लिपिंग पर राय। आरक्षण के बदले लिख दीजिए खैरात। खैरात हमारे जन्म सिद्ध अधिकार है। डर लगता है ना मेहनत करने से। इतिहास की याद में अपनी कमजोरी मत छिपा तुम लोग। हमारी जनरेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर हिम्मत है तो चैलेंज उठाओ और लड़ो, मगर वो आप करेंगे नहीं, क्योंकि उसके लिए चाहिए मेरिट जो नहीं है तुम्हारे पास। करेंगे मुकाबला मेरिट से भी तुम्हारा, मगर रेस की स्टार्टिंग लाइन एक होनी चाहिए। जी हाँ, तो रेस की स्टार्टिंग लाइन एक होनी चाहिए, और इसी स्टार्टिंग लाइन को लेकर के को एक करने के लिए संविधान के निर्माताओं ने आरक्षण की व्यवस्था की थी, लेकिन वो लाइन एक हो पाई है कि नहीं हो पाई है, इसी पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्योति सिंह जी। ज्योति सिंह जी, क्या आपको लगता है जिस तरीके से फिल्म समाज का आईना होती है, कहते हैं कि समाज से जो समाज की जो समस्या होती है और समाज जो मैसेज देना चाहता है वो फिल्म के जरिए भी देता है, ये फिल्म प्रकाश झा की आरक्षण पे काफी फेमस हुई थी, उसके बाद जो स्टार्टिंग लाइन की बात की है, यहाँ जो नायक है वो जो स्टार्टिंग लाइन की बात की थी, क्या आपको लगता है स्टार्टिंग लाइन को एक करने की फिलोसफी को लेकर के संविधान में आरक्षण की जो व्यवस्था की गई थी, वो व्यवस्था और वो फिलोसफी क्या अब 64 साल के बाद पूरी हो पाई है? देखें, फिल्म तो एक, चले आप कहते हैं दर्पण है, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ ये देश विविधताओं का देश है। प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, अब जब भारत देश की स्थिति देखेंगे तो ये जो आरक्षण का जो स्थिति बना वो कांग्रेस पार्टी प्री इंडिपेंडेंस जब समाज की जो स्थिति थी, जहाँ पर समानताएँ नहीं देखी गई, जहाँ पर अछूत अनटचेबिलिटी की बात होती थी, शेड्यूल कास्ट की बात होती थी, शेड्यूल ट्राइब की बात है, तो बहुत तरह के कास्ट जो समान रूप से
समाज में नहीं देखे जाते थे। उस समय केवल इकोनॉमिकली ही बात नहीं हुआ करती थी, उस समय समाज में बराबरी की भी बात होती थी। तो कांग्रेस पार्टी उस समय जब ये बात को देखी, जहां पर कांग्रेस पार्टी हमेशा हर जात धर्म को एक समान एक प्लेटफॉर्म पर रखकर एक धरती पर एक साथ रखकर काम करने का प्रयास किया। मुझे बात करने दे, मैं समझ गया बात को आपको। आप देखें, जब वो बात देखी तो कांग्रेस पार्टी ने इसका, केवल कांग्रेस पार्टी के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, महात्मा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू से लेकर सरोजिनी नायडू से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर आज तक भी कांग्रेस पार्टी का वही मानना है जो एग्जिस्टेंस पॉलिसी अभी है, जो हमारा चुकी आज के समाज में ज्योति जी आप जो बात कर रहे हैं उससे हम कहीं अलग बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जो एक बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ने इंडिपेंडेंस के पहले जो स्थिति देखी थी, जो पिछड़ापन था उसको बराबर करने के लिए किया गया था। इंडिपेंडेंस के पहले एक और भी चीज हुआ था, अंग्रेज फूट डालो और राज करो की नीति पे उन्होंने धर्म के आधार पर सबसे पहले जो है आरक्षण की व्यवस्था की थी। आपको अगर याद होगा तो बाबा साहब अंबेडकर जो है वो उसको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन महात्मा गांधी उसके विरोध में थे। आपको याद होगा कम्युनल अवार्ड का जो है डॉक्टर जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटिश के मैकडोनल्ड, उन्होंने ये दिया था और उसका विरोध गांधी जी ने किया था और अंबेडकर उसका समर्थन कर रहे थे। बाद में पूना पैक्ट हुआ और पूना पैक्ट के बाद जो है ये सहमति बनी थी और जो दलितों को जो आरक्षण है ना वो हिंदुओं के आरक्षण में से दलितों को एक सीट जब दिया गया था उसके बाद ये पूना पैक्ट संभव हुआ था। यानी अंग्रेजों ने आरक्षण के नाम पर समाज को बांटने के लिए फूट डालो और राज्य करो के नाम पर जो है ये आरक्षण की व्यवस्था की थी, लेकिन उसके बाद जब संविधान बना था तो समाज में एकता, जो कि मैंने कहा कि फिलॉसफी थी, ये थी कि जो समाज का पिछड़ा हुआ तबका है वो आकर के समाज की मेन स्ट्रीम में आकर के लगे और उसके बाद ये बराबरी का जो है, सब जब समाज में सब बराबर हो जाए, सबको बराबर हक मिले, उसके बाद इस व्यवस्था खत्म कर दी जाए। लगातार 65 साल 60 साल तक आपकी सरकार रही यहां पे, लेकिन यह व्यवस्था अब तक नहीं हो पाई। जो जिस उद्देश्य को लेकर के संविधान में यह व्यवस्था की गई थी वो चीज नहीं हो पाया। सवाल आपसे इसलिए है क्योंकि आप सबसे ज्यादा समय तक जो है शासन में रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो आप बात जिस संदर्भ का आप समय का बात उठा रहे हैं वो पुणे का था और मैं बताता हूं वो बेसिकली उस समय अनटचेबिलिटी अछूतेपन का बात होता था, जो समाज में उसको मंदिर से बाहर समाज से बाहर वो सबसे बड़ा डर उस समय था। तो अंबेडकर साहब को वो ये बात बहुत डर लगती थी। तो आप देखें कांग्रेस के जितने भी नेता रहे, चाहे महात्मा गांधी रहे अंबेडकर जी रहे, इन लोगों का एक ही प्रयास रहा कि समाज में सारे जाति धर्म को एक समान लाना है, क्योंकि वो एक मनुष्य है, मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, उसकी काबिलियत। और चूंकि आप जिसकी बात कर रहे हैं, चूंकि वो बात डाइवर्ट नहीं हो जाए, फ्रीडम मूवमेंट से डाइवर्ट नहीं हो जाए, तो उस पर भी काफी प्रयास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब भी करते रहे, गांधी जी भी करते रहे। और आज के दिन में जब ये सवाल आप कर रहे हैं कि क्या ये परिस्थिति बदली है, देखें उस समय तो 10 साल का था, 10 साल तक रिजर्वेशन का था, तो हर 10 साल के बाद ये रिव्यू होता है और रिव्यू होने के बाद जब स्थिति समान उसी तरह देखी जाती है तो कांग्रेस पार्टी अभी तक मतलब रणदीप सुरजेवाला जी भी लास्ट ईयर आप जो बार बार घुमा के वहीं पे चले आ रहे हैं, जहां से आप शुरू कर रहे हैं वहीं पे पहुंच जा रहे हैं। हम तो यही कह रहे हैं जो 60 साल तक आपका शासन रहा और 60 साल के बाद भी जो है आप उस समानता को नहीं ला पाए, जो निचला तबका था वो ऊपर में मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाया, बिल्कुल जिम्मेदारी आपकी है। आप ये नहीं कह सकते हैं, अब जो ये नहीं कह सकते मुकेश जी कि वो समानता नहीं आ पा रही है, आज आप ये बात नहीं कह सकते हैं। आज वो दलितों का घर देखें, आज वो अछूतों का घर देखें, जहां पर जिसको खाने का नहीं था आज मोटरसाइकिल से घूम रहा है, आज वो पक्के मकान देखें। ये कांग्रेस पार्टी नहीं, आपकी बात मान लेते हैं, तो 65 साल तक ये बात चली, लेकिन कांग्रेस पार्टी आज कांग्रेस पार्टी का वही स्टैंड है जो अभी तक जो कॉन्स्टिट्यूशनली है, क्योंकि अभी तक जो इकोनॉमिकली रिजर्वेशन अभी दो चीज हो सकती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में, दो चीज हो सकती है। या तो आपने जो रिजर्वेशन दिया था जिस उद्देश्य से दिया था वो उद्देश्य पूरा हो गया, तब उसके बाद का स्टेप क्या होना चाहिए। पहला, अगर आपने सामाजिक एकता के लिए सामाजिक समानता के लिए आपने रिजर्वेशन दिया था और आप कहते हैं कि कांग्रेस ने अच्छा काम किया, बराबरी आ गया, अब दलित भी मोटरसाइकिल पर चल रहे हैं, तो क्या अब सामाजिक आधार पर जाति के आधार पर जो रिजर्वेशन है उसको खत्म करके क्या अब आर्थिक आधार पर कर देना चाहिए? इसका जवाब दीजिए आप। आप ये सवाल चूंकि ये बातें जो आप पूछ रहे हैं ये चूंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर ये विचाराधीन है और ये कांग्रेस के हाईकमान और बड़े नेताओं के ये पॉलिसी मेकिंग की बात है, लेकिन अभी तक
कांग्रेस पार्टी जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसी पर है वो। आप जब ये सवाल कर रहे हैं तो ये चूंकि पॉलिसी मेकिंग का सवाल है तो इसमें हाईकमान के लोग करेंगे, लेकिन आपने अभी जो मैंने जो बात कहा कि दलित मोटरसाइकिल पर घूम रहे हैं तो वो मैं एक बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि आज वो समाज में हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, आज वो पढ़ाई कर रहे हैं, आज वो पक्के के मकान में रह रहे हैं, आज हमारे उच्च वर्ग के लोगों के साथ बैठकर अपना जिंदगी बिता रहे हैं। तो बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, शायद और होने की गुंजाइश होगी या और होना होगा, ये तो पॉलिसी मेकिंग की बात है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी तक जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है कॉन्स्टिट्यूशनल उसी पर अभी स्टैंड एज ऑन डेट अभी उसी पर है। बिल्कुल, आप चूंकि अभी सत्ता में नहीं है तो आपकी मजबूरी भी है कि आप कुछ कर नहीं सकते हैं, आपको उसी स्टैंड पर रहना। लेकिन बात यहां पर जो छिड़ी है कहां से निकली है ये बात हम इस बात को भी बताएंगे आपको, लेकिन इससे पहले बता दें कि हमारे साथ और भी गेस्ट जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ से हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और उत्तराखंड से उमेश अग्रवाल जी वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। जी, तो इस वक्त हमारे साथ आपको बता दें कि लखनऊ से भी गेस्ट जुड़ चुके हैं और देहरादून से भी हमारे साथ लाइव पर जुड़ चुके हैं, और इस वक्त मैं उमेश अग्रवाल जो कि देहरादून से हमारे साथ मौजूद हैं उनके पास चलेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो आरक्षण की व्यवस्था की गई थी और जिस तरह से आरक्षण को लेकर लगातार कई सवाल भी उठते आए हैं, कई सरकारें भी घिरती आई हैं, तो उसको लेकर किस तरह की उनकी प्रतिक्रिया है, वो क्या कहेंगे इस पूरे मसले पर। उमेश जी के पास चलेंगे देहरादून, वहां उनसे हम बात करेंगे। जी उमेश जी से बाद में सवाल लेंगे, और इस वक्त ज्योति सिंह जी से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी। ज्योति सिंह जी, सबसे सीधी एक बात, क्या आरक्षण होना चाहिए? अगर समाज में समानताएं नहीं है, अगर समाज में जाति के आधार पर आप किसी को ऊपर बैठाते हैं और नीचे बैठाते हैं तो निश्चित तौर पर चूंकि ये समाज, ये देश भारत देश एक विविधताओं का देश है जहां पर सबको समान रूप से रहने का अधिकार है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट है। इसलिए समाज में बराबर लाने के लिए, समाज में सबको अधिकार देने के लिए, जीने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, खाने का अधिकार, समाज में इज्जत सम्मान से पाने का अधिकार, डेमोक्रेटिक सिस्टम में भागीदारी होने का अधिकार होने के लिए मुझे लगता है कि सबको बराबर लाने के लिए आपको वो आरक्षण पर विश्वास करना चाहिए। बिल्कुल, तो आरक्षण पर विश्वास करना चाहिए जैसा कि ये कह रहे हैं। हमारे साथ लखनऊ हम चलेंगे और उत्तराखंड चलेंगे, देहरादून वहां पर हमारे साथ बीजेपी के मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हमारे उमेश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। बिल्कुल, लगता है उमेश अग्रवाल जी से हम अभी बात करेंगे बाद में, अभी ज्योति सिंह के पास चलते हैं। ज्योति जी, आप जैसा कि कह रहे हैं कि जरूरी है, हम ये नहीं कह रहे कि जरूरी, हम भी आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं कि बिल्कुल जरूरी है आरक्षण, और लगातार 64 साल हो गए आरक्षण को दिए हुए, आखिर कोई एक सीमा तो होनी चाहिए, एक कोई टाइम लाइन तो होना चाहिए कि आखिर ये कब तक हो, कम से कम राजनीतिक हलके में सरकार, आप भी रहे हैं 65 साल जो है, आप भी रहे हैं सरकार में, तो एक चर्चा तो कम से कम शुरू होनी चाहिए कि भाई आखिर कब तक, कोई तो इसकी ये ले रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि भाई अब है 64 साल हो गए, भाई 70 साल में देंगे या 75 साल में या 100 साल में देंगे, 100 साल में बराबरी कर लेंगे, कोई एक टाइम बॉन्ड एक तो होना चाहिए, कोई सीमा रेखा तो होनी चाहिए कि कब तक ये चलेगा, कब तक हम रिजर्वेशन देते रहेंगे सिर्फ जाति के आधार पे। देखिए, जब समाज में इतनी असमानताएं रही हैं, एक आसमान और एक पाताल का रहा है, तो उसमें तो दोनों को बीच में बराबर आने में तो समय लगेगा, और चूंकि एक हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है जहां पर हर 10 साल के बाद रिव्यू होता है, तो हमें लगता है कि हमारे पार्लियामेंट में जितने पार्लियामेंटरी बैठते हैं, चाहे वो राज्यसभा में चाहे लोकसभा में बैठते हैं, वो सारे बुद्धिजीवी होते हैं, समाज के हर वर्ग के प्रतिनिधि होते हैं, हर क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं, हर जिला और हर, तो ये रिव्यू का एक सिस्टम है जो हर 10 साल के बाद रिव्यू होता होगा, हमें लगता हो कि वो रिव्यू जो होती होगी वो बहुत सटीक होती होगी, क्योंकि हर वर्ग का रिप्रेजेंटेशन होता है, हमें लगता है कि इसमें
हमें इसमें कुछ कहने का बहुत स्कोप नहीं है। बिल्कुल ज्योति जी, देखिए जो रिजर्वेशन शुरू में जो संविधान में दिया गया, जो व्यवस्था संविधान निर्माताओं ने की थी, वो जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है उनके लिए रिजर्वेशन था। जो यानी जो संसद में जो लोग चुन के जाते हैं वो सीटें किनको मिलेगी उसके लिए रिजर्वेशन किया गया था। सरकारी नौकरियों में जो है रिजर्वेशन का जो है वो बाद में आया था। और सबसे ज्यादा आप कहें जो एससी एसटी को जब रिजर्वेशन दिया गया तब तो इतनी बात नहीं हुई थी, लेकिन राजनीतिक तौर पर जब इसका इस्तेमाल किया जाने लगा, जब राजनीतिक पार्टियां इस रिजर्वेशन को एक आइटम समझ करके दुकान खोल करके बैठ गई और फिर जब इसमें आरक्षण की बिक्री होने लगी उसके बाद से यह मामला उठा है। आपको याद होगा बीपी सिंह का जमाना 1990 का मंडल की बात अगर करें, मंडल कमीशन की बात करें, तो मंडल के पहले और मंडल की बाद की अगर स्थिति की आप चर्चा करें तो मंडल के बाद की जो स्थिति बनी थी उसके बाद से ये जो चर्चा होने लगी कि आखिर ये रिजर्वेशन कब तक, ये रिजर्वेशन का आधार क्या हो, रिजर्वेशन से क्या जो प्रतिभा है, जो एक नेचुरल प्रतिभा है आपके देश की, क्या उसको आगे आने में दिक्कत हो रही है, क्या उसकी प्रतिभाएं कुंद हो रही है, तो इन सब बातों पे चर्चा होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। और इस चर्चा पे जो पार्टी सरकार में ज्यादा दिन तक रहेगी उसी से सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि आप सत्ता में ज्यादा दिनों तक थे इसलिए आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि पोस्ट मंडल, मंडल के बाद आप ये बताएं कि मंडल के बाद जिस तरीके से राजनीतिक स्थितियां बदली देश में, उसके बाद से क्या आपको लगता है कि आरक्षण के कारण प्रतिभाएं कहीं ना कहीं कुंद हुई हैं? देखें, आप जब ये विषय बहुत डिबेटेबल ऑफ फिलोसफिकल है, आप देखें, आप इस चीज को समझें। आप अब ये बात दूसरा है कि उस आरक्षण का फायदा कुछ फैमिली को चली जाती है, लेकिन जो गवर्नमेंट सिस्टम या पार्लियामेंट में जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम बना है कि उस वर्ग के हर लोग को यह आरक्षण पहुंचे, ये नहीं हो पा रहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये भले ही ये आरक्षण का फायदा कुछ परिवार और कुछ लोगों के समूह में चला जाता है, जबकि इसका होना क्या चाहिए था कि हर वर्ग, अगर किसी भी जात के आधार पर अगर वो बहुत असमान रहा है और बहुत नीचे रहा है, समाज में पढ़ने का मौका नहीं मिला है और सरकार का एक सिस्टम बना कि जहां उसको पढ़ने का मौका दिया जाए, तो अगर उस पढ़ने का भी मौका अगर किसी खास परिवार के लोगों को मिलता है उस पर भले ही चर्चा का विषय बन सकता है। आप सही जा रहे हैं ज्योति सिंह जी, यही चर्चा हो रही कि जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण में एक क्रीमी लेयर का कंसेप्ट लाया गया कि वैसे परिवार जिनको एक बार आरक्षण का लाभ मिल गया है, आरक्षण का लाभ लेकर के वो ऊपर आ चुके हैं, वो क्रीमी लेयर में आ गए, अब क्रीमी लेयर को फिर जो है आरक्षण से बाहर किया जाएगा। और इसी तरीके की व्यवस्था की बात एससी एसटी सेक्शन में भी किया जा रहा है, आज नहीं हो कल हो, 5 साल के बाद हो, 10 साल के बाद हो, लेकिन कोई सीमा रेखा खींची जानी चाहिए। हमारे साथ बीपी श्रीवास्तव जो शिक्षाविद है, उनसे बात की हमारी संवाददाता नीलम शुक्ला ने, उनको एक बार सुन लेते हैं, शायद वो इसी तरीके की बात भी कर रहे हैं। ज्योति जी, क्या लगता है आपको इस तरीके की बात? बिल्कुल, सुनते हैं नीलम शुक्ला जी। श्रीवास्तव जी, जो भी अभी नीति है आरक्षण की, आपको क्या लगता है, ऐसी ही होनी चाहिए, कोई बदलाव होना चाहिए इसमें? नहीं, बदलाव तो होना चाहिए, खासतौर से जैसे ओबीसी में क्रीमी लेयर है, वैसे अब जरूरत, मुझे जहां तक लग रहा है कि अब जरूरत है एससी एसटी में भी एक क्रीमी लेयर बनाने की, क्योंकि बहुत सारे परिवारों को जिनको लाभ मिल चुका, आरक्षण का अधिकांश लाभ उन्हीं तक चला जा रहा है, और जो उस वर्ग में भी जो बहुत पिछड़े हैं उन तक वो आरक्षण नहीं पहुंच पा रहा है। तो अगर हमने वहां भी क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान कर दिया अगर, तो उससे हम जिसको हम महादलित कहते हैं उन लोगों तक आरक्षण की सुविधा ज्यादा पहुंचेगी। आप क्रीमी लेयर की आप बात करें तो क्या एक तरह से ये कहा जाए कि अब जो आरक्षण है उसमें भी परिवारवाद जैसा कुछ शुरू हो गया, अगर बाप कलेक्टर है तो बेटा भी आईएएस आईपीएस या कलेक्टर ऑफिसर बनेगा, इस तरह का? हाँ, एससी एसटी में तो बहुत हद तक लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी जनजातियां ऐसी हैं जिनको बहुत लाभ मिल चुका, उनके परिवार वाले लोग काफी आगे बढ़ जाते हैं। ओबीसी में जैसे हो गया है कि अगर कोई कलेक्टर है या अच्छे पद पर है तो उसके बेटे को आरक्षण नहीं मिलता, वो एक आय आ गई है वहां, तो उस तरीके से यहां भी होना चाहिए। मुझे जहां तक लग रहा है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है हाल फिलहाल भी कि जाति तो ठीक है, जाति बहुत बड़ा आधार जरूर है पिछड़ेपन का, लेकिन एकमात्र आधार नहीं होना चाहिए और उसमें आर्थिक दशाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो वैसे जो निचले स्तर के लोग हैं उनकी आर्थिक दशाएं चूंकि बहुत,
तो सुना आपने कि क्या कुछ कहना था श्रीवास्तव जी का। एक बार मैं फिर से जितने भी गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं सबका बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूं। आपको बता दें कि स्टूडियो में हमारे साथ कांग्रेस के नेता ज्योति सिंह जी मौजूद हैं। ज्योति सिंह जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम वंदे मातरम में। डॉक्टर गौतम जो कि समाजशास्त्री हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शास्त्री जी, माफ कीजिएगा, गौतम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। और साथ ही लखनऊ से आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता विजय कुमार सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। और देहरादून से उमेश अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम वंदे मातरम में। तो कार्यक्रम में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या कुछ कहना है इस पूरे मसले पर। एजुकेशन फैसिलिटी फॉर ईच एंड एवरीवन, देन हु विल आस्क फॉर द रिजर्वेशन? इफ द जॉब अपॉर्चुनिटीज आर देयर फॉर ऑल, हु विल आस्क फॉर द रिजर्वेशन? So we have to create an era of the plenty. Once we will create an era of plenty, then no one will ask for this thing. We are wasting our time. Definitely. It is because our whole economic system is a scarcity system. We'll have to convert it from the scarcity to plenty. And Gujarat is a model for the plenty. जी हाँ, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, जो कि 2013 का ये अभियान था। उस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उस समय पत्रकारों ने एक्सक्लूसिवली उनसे एक सवाल पूछा था आरक्षण के बारे में, जिसपे उन्होंने साफ तौर पे कहा कि विकास अगर इतना ज्यादा हो जाए, जब सबके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा हो जाए, तो वहां आरक्षण की कोई बात ही नहीं होगी। हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से हमारे गेस्ट डॉक्टर गौतम हमारे साथ जुड़ गए, समाजशास्त्री हैं, उनसे हम पूछेंगे। गौतम जी, एक सवाल आपसे है। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दी थी EWS जो कोटे पर स्कूल में, निजी स्कूलों में जो एडमिशन हो रहा है उसके आधार पर, उसको संवैधानिक दर्जा दिया था एक तरीके से। जो ये जो गाइडलाइन और ये जो व्यवस्था की थी और जो संवैधानिक दर्जा दिया था, इसको एक संकेत के रूप में माना जा रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट ये संकेत दे रही है कि अब समय आ रहा है कि अब राजनीतिक दल जो है इस बात पर भी विचार करे कि जात के आधार पर जो रिजर्वेशन है इसको खत्म करके इसका आधार आर्थिक या किसी दूसरे चीज को आधार बनाकर भी आरक्षण को आगे बढ़ा दे, यानी जाति आधारित आरक्षण पे कहीं ना कहीं एक संकेत दिया कि इसे अब खत्म किया जाना चाहिए। क्या कहेंगे आप? धन्यवाद इसका कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बार संज्ञान लिया है अपनी तरफ से कि आरक्षण देश के लिए संविधान में जिस तरह से प्रोविजन था। दरअसल क्या है, हमारे जितने भी लोग हैं जो आरक्षण को लेकर बात करते हैं, वो सब लोग एक्सपर्ट तो हैं कि आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, उसके लिए क्या क्या दलीलें दी जाती हैं, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा ये आरक्षण देने से पहले मानसिकता क्या थी, देश क्या चाहता था, उस पर जाना बहुत जरूरी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अब जाति ही सब कुछ नहीं है, ये सोचना चाहिए, लेकिन उससे पहले ये भी तो सोचिए। दो तीन एक्सपर्ट के बड़े अच्छे डिस्कशन मैंने सुनने को मिले हैं। मैं एक बात का जवाब देना चाहूँगा कि आज जो IAS हो जाता है उसके बेटे को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये सेकेंडरी है। पहले आप ये देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिजर्वेशन का प्रोविजन है, परसेंटेज है, क्या आपने उसे पूरा किया है? अगर देश में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के तहत आरक्षण पूरा हो चुका है। आपको गौतम जी, आपको रोकना चाहेंगे और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, आइए उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी बताइए, क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? नोएडा से राजीव बोल रहा हूँ। और जो आरक्षण है ये बिल्कुल जातिगत नहीं होना चाहिए, ये आर्थिक आधार पर होना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आर्थिक आधार पर लोगों को आरक्षण की जरूरत है, ये कहना था हमारे इस दर्शक का। गौतम साहब, आपसे एक चीज यहाँ पर जानना चाहूंगी कि जब आरक्षण की बात आती है तो हम लोग चर्चा करते हैं कि आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आरक्षण किस बेस पर होना चाहिए। कुछ लोगों का ये कहना है कि आरक्षण पूरी तरीके से नहीं होना चाहिए, लेकिन जब आरक्षण की बात आती है कि हमें आरक्षण चाहिए या नहीं, तो लोग खुद पहली कतार में पहले नंबर पर खड़े हो जाते हैं। क्या लगता है आपको? मैं जो बात पूरी कहना चाहूंगा, थोड़ा उसे पूरा तसल्ली से सुना जाए। जी, बीच में जो आपको बात को टोक देंगे तो उसका मैसेज गलत जाता है। देखिए, पहली बात कि आज आरक्षण जाति आधार पर, मैं कह रहा हूं ना, सब नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जा रहे। एक IAS के बेटे को नहीं मिलना चाहिए, डॉक्टर के बेटे को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, मैं मानने को तैयार हूं, लेकिन मैं ये सुनना चाहता हूं देश से, सरकार से,
क्या आपने 60 वर्ष में आरक्षण को पूरा किया है? आपने आईएएस का बेटा कंपटीशन में बैठ रहा है, डॉक्टर का बेटा बैठ रहा है, तब भी आप आरक्षण पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि 60 साल से जो आगे कही जाने वाली जातियां इसका मिसयूज अपने फेवर में करते रहे हैं? और जब भी आरक्षण का नाम आता है तो एक आईएएस को उदाहरण बनाया जाता है, पीसीएस को बनाया जाता है। मैं कहता हूं आज आरक्षण को पहला गवर्नमेंट ये डिसीजन ले कि हम आरक्षण किसी भी कंडीशन में पूरा करेंगे, चाहे कितना भी नीचे जाना पड़े, और हम आईएएस पीसीएस डॉक्टर इंजीनियर के बच्चों को किसी भी कीमत पर आरक्षण नहीं देंगे, तो हमें वेलकम करना चाहिए। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के अभी तक के जजमेंट एक मानसिकता के तहत है। आज सुरुपाश का आदमी डरता है कोर्ट में जाने से, क्योंकि उसे पता है कि उसे वहां न्याय नहीं मिल रहा है, ऐसी मानसिकता बन रही है। मैं चाहूंगा कि हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट आदर के योग्य बने, कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी सरकार की पूछे कि आपने 60 साल में आरक्षण को अभी तक किया क्या और अब क्या हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं गौतम साहब, आपके आपके बात का जवाब हम जो बीजेपी के नेता उमेश अग्रवाल जी हमारे साथ हैं उनसे हम जवाब जानेंगे। आपने जो सवाल उठाया है इसका जवाब बीजेपी से हम जानना चाहेंगे। उन लोगों को मिला है जो वंचित हैं। बिल्कुल बिल्कुल गौतम साहब समझ गए आपकी बात को, और उमेश अग्रवाल जी सुन रहे हैं आपको, बीजेपी के नेता हैं, देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश जी बताएं, जिस जो सवाल उठा रहे हैं यहाँ पे डॉक्टर गौतम, जो सवाल उठा रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या जवाब होना चाहिए? क्या सही में जो वैकेंसी, जो आईएएस के बेटे को फिर से आप जरूर, हम लोग ये सवाल उठाते हैं कि क्रीमी लेयर में आने के बाद जो है रिजर्वेशन के कोटे से बाहर आ जाना चाहिए, लेकिन बावजूद इसके क्रीमी लेयर के कोटे में रहने के बावजूद जो खाली जगह है वो जगह अभी तक नहीं भर पाई है, क्या जवाब देंगे आप? आप सरकार में, आपकी पार्टी सरकार में है। देखिए ऐसा है, देखिए ऐसा है, जहाँ तक आरक्षण का सवाल है, मैं पहले तो बधाई देना चाहता हूँ आपके चैनल को कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। पहलू है एक, हम अगर राजनीतिक स्तर पर बात करते हैं तो राजनीतिक स्तर पर कोई भी इसका विरोध करने के लिए तैयार नहीं है। लगातार बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, इसके लिए कोई तैयार नहीं है। इसके लिए अगर टिप्पणी की है तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, कोई भी राजनीतिक दल एक्सेप्ट नरेंद्र मोदी जी ने अगर की है तो उन्होंने भी एक सेफ्टी के पर्पज से की है। लेकिन कुल मिलाकर जिस प्रकार से राजनीतिक दलों ने 60 साल से जो रिजर्वेशन के माध्यम से लोगों को कमजोर किया है, और उस कमजोरी के माध्यम से हमारा जो कैलिबर्ड बंदा है, जो वास्तव में जो जिसके अंदर दम खम है, वो उससे महरूम रहा है। और ये जो भी आरक्षण का मामला है, ये आरक्षण का मामला पूर्णतः है आर्थिक स्थिति पर होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसका एक ही रिजल्ट आउट है, यदि सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर स्टैंड लेगा तभी ये कुछ हो सकता है, नहीं तो मंडल कमंडल इस तरीके की जो भावनाएं हैं, और कुल मिलाकर हम लोग एक तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति से हम वास्तव में उन बच्चों को बहुत कमजोर कर रहे हैं जो वास्तव में कैलिबर तरीके से आगे आकर इस देश के सहयोग में, इस देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और आज जिस प्रकार से हम लगातार उन लोगों को 60 सालों से हम आरक्षण देते आ रहे हैं। बिल्कुल 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 उमेश जी, आप जो सवाल उठा रहे हैं इसका जवाब हम विजय कुमार सिंह समाजवादी पार्टी के नेता से हम जवाब लेंगे। मंडल की राजनीति की बात आपने की है, मंडल की राजनीति को करके ही समाजवादी पार्टी सत्ता में आई है, और वो रिजर्वेशन का फायदा इन्होंने भी उठाया है। विजय कुमार सिंह जी क्या कहेंगे जो सवाल उठा रहे हैं बीजेपी के नेता उमेश अग्रवाल जी, क्या आप कहेंगे, क्या डिफेंस है आपका? सीधा आरोप है आप पे, आप मंडल की राजनीति करके रिजर्वेशन का फायदा उठा करके सत्ता में आए हैं। मुकेश जी मैं बताना चाहता हूं, अभी आपके उन बातों को मैं दोहरा रहा हूं जब आपने कहा कि अंग्रेजों की नीत पर ये लोग चले हैं, और अंग्रेज चले गए हमारे यहां जब सरकार बनी, कांग्रेस ने 65 साल राज किया, एक पोटली आरक्षण पे एक पोटली बांध दी, वो पोटली इन्होंने बांध के रखा, और हमेशा देश को लालच देते रहे, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, ये लोग आरक्षण के मुद्दे पर हमेशा एक लालच देते रहे, देश को गुमराह करते रहे, देश के नौजवानों को गुमराह करते रहे। जब 90 में डीपी सिंह की सरकार बनी, मंडल कमंडल लागू हुआ, उस समय उसको एक
थाली में लेकर ये लोग भागने का काम किए, थाली में बांटने का काम किए। निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी जब पिछली सरकार कांग्रेस की थी, अपने पीसीआर टीम से मैं कहूंगा आरक्षण का आवाज थोड़ी आवाज कम आ रही हमारे गेस्ट की। जी बताएं बताएं। आरक्षण का मुद्दा उठा जब पिछली सरकार थी, बताएं मुझे। मैं बताना चाहता हूं, जब पिछली सरकार थी कांग्रेस की तो आरक्षण का मुद्दा उठा, आरक्षण पर बहस भी हुई लोकसभा में, चाहे वो कांग्रेस के साथी रहे हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के साथी रहे हो, ये एक हो गए उस आरक्षण पर, एक हो गए पोटली को लेकर, एक हो गए। ये सोचे कि हम नहीं बोलेंगे, वो सोचे कि हम नहीं बोलेंगे। निश्चित तौर पर मैं आपसे बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी हमेशा हमेशा मुद्दों की बात की है। आरक्षण पर उस समय विरोध करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। बिल्कुल, हमारे साथ आपकी बात का जवाब देने के लिए हमारे पास कांग्रेस के नेता हमारे स्टूडियो में है। बताएं ज्योति जी, सुप्रीम कोर्ट सीधा इल्जाम लगाया जा रहा है आप पे। ये समाजवादी पार्टी के हमारे सम्मानीय नेता जो बात कर रहे हैं, शायद इनको याद नहीं है कि जब लास्ट ईयर जब पार्लियामेंट में बात उठी थी तो हमारे पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर राजीव शुक्ला उस समय थे, उन्होंने बोला था कि कांग्रेस पार्टी जो एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है कांग्रेस पार्टी उसी को आगे बढ़ा रही है, उसी को सपोर्ट कर रही है। वो साफ साफ पार्लियामेंट में उन्होंने ये बात कहा था। और ये समाजवादी पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता जात के नाम पर केवल और केवल राजनीति करते आए हैं। मैं आपको एक वाक्य आपको याद दिलाता हूं कि छत्तीसगढ़ में जब रमन सिंह चीफ मिनिस्टर थे तो उस समय उन्होंने दलितों का जो परसेंटेज था उन्होंने कम कर दिया, और केवल वोट के वजह से उन्होंने एसटी का परसेंटेज जो है रिजर्वेशन में आगे कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं क्या उनको यह पता नहीं था कि हमारे भारत देश में पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में केवल 50-51% से ऊपर ज्यादा हमारा रिजर्वेशन नहीं हो सकता है, लेकिन केवल वोट के माध्यम से, केवल वोट के माध्यम से, वोट के माध्यम से। और वो बोल आज 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 वो भारतीय जनता पार्टी के बाद लोग बोल रहे हैं कमांडर और मंडल आज समाजवादी पार्टी के नेता की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये कांग्रेस पार्टी है कि आज हमारी और आपकी स्थिति इस स्थिति में आई है कि आज हम लोग को ये मजबूर होते हैं स्टूडियो वाले कि हमको बुलाकर टेलीविजन पर बात सुनते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी अगर ये काम 60 साल में नहीं की होती तो आज हम और आप इस स्थिति में भी नहीं होते कि आज स्टूडियो में हमें बोलने का मौका मिलता। ये कांग्रेस पार्टी है जो हर गरीबी को, हर दलित को, हर समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। इंदिरा आवास योजना हो, चाहे दलितों को पढ़ाई कराने की बात हो, आप ये बातें ना करें समाजवादी पार्टी के नेता। हमारे और आप आज हम खड़े हुए हैं, समाज को टक्कर दे रहे हैं, समाज में समानता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, कि एक कांग्रेस पार्टी का दिन है। आज इस स्थिति में आकर कुछ भी आप करने की स्थिति में वो कांग्रेस पार्टी का दिन है। आरक्षण पर बहस हुई थी, हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह ने आरक्षण का विरोध किया, आपने देखा भी होगा, पूरे चैनल के माध्यम से देखा होगा, पूरा देश देखा है। जब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने आरक्षण पर बोलने का नाम नहीं लिया, ये दोनों लोग एक सहमति जता लिए। शायद आपको नॉलेज नहीं है, कांग्रेस पार्टी जो भारत का कंस्टिट्यूशन है, कांग्रेस पार्टी जो भारत का कंस्टिट्यूशन है, जो एग्रीकल्चर पॉलिसी है, कांग्रेस पार्टी आज के डेट पर उसी पर वो कायम है। आपको शायद इसका ज्ञान नहीं है। आप दोनों नेताओं को ये कांग्रेस पार्टी है कि ज्योति जी और विजय जी आप दोनों को रोकना चाहेंगे थोड़ा हमारे पास स्पीकर को बनाने में, चाहे देश का प्रधानमंत्री बनाने में, चाहे राष्ट्रपति बनाने में, आप डिस्कशन को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। दलितों के उत्थान की और उनको राजनीति में जगह देने की बात नहीं हो रही है। ये रिजर्वेशन हम चर्चा कर रहे हैं, विजय जी यहाँ चर्चा कर रहे हैं, क्या जो रिजर्वेशन का आधार है उसको जाति से हटा करके आर्थिक आधार पर किया जाए कि नहीं किया जाए, हम इस पर बात कर रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम चलते हैं उदित राज जी के पास दिल्ली, वहां सुनते हैं उदित राज जी ने क्या कहा है। हमारे साथ आरक्षण मुद्दे पर सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठाने वाले डॉक्टर उदित राज हैं। उदित जी, जो आरक्षण की नीति अभी लागू है आपको क्या लगता है, एकदम सही है? आरक्षण मूलतः जो लागू हुआ था देश में सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़ेपन के वजह से, दो इस समय आधार है आरक्षण देने का। तो पहला जो एससी और एसटी का है वो सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर पिछड़ने के कारण है, ओबीसी का आर्थिक कारण है, सामाजिक आर्थिक दोनों कारण है।
शैक्षणिक नहीं है, सामाजिक आर्थिक कारण है, तो दोनों वर्गों के लिए अलग अलग आधार हैं। आरक्षण गरीबी दूर करने का हथियार है ही नहीं, ये प्रतिनिधित्व देने का हथियार है, वरना सरकार की जो सैकड़ों स्कीमें हैं, योजनाएं हैं, वो किस लिए हैं? मनरेगा हो, फूड सिक्योरिटी हो, इतनी सारी योजनाएं हैं कि गिना नहीं सकता हूं। उन सारी योजनाओं के माध्यम से गरीबी दूर होती है, इससे भागीदारी तय होती है, इससे प्रतिनिधित्व तय होता है। ये बड़ा कन्फ्यूजन है लोगों को कि आरक्षण गरीबी मिटाने का अधिकार है, आरक्षण गरीबी मिटाने का अधिकार नहीं। तो उदित राज जी का साफ कहना है कि आरक्षण की जो नीति है वो भागीदारी देने के लिए है, ना कि आर्थिक स्तर पर किसी को ऊपर उठाने के लिए। कैमरा पर्सन नदीम के साथ नीलम शुक्ला, देवांगन, साधना न्यूज, दिल्ली। तो देखा आपने उदित राज का क्या कुछ कहना था आरक्षण की नीति को लेकर, और आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि भारत में आरक्षण किस स्तर पर किस तरह से मिला हुआ है। आपको बता दें कि सरकारी सेवाओं और संस्थानों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं रखने वाले पिछड़े समुदायों और अनुसूचित जातियों और जनजातियों को उच्च शिक्षा के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान है। सभी राज्य अपने हिसाब से इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन राजस्थान जैसे कुछ राज्य 68% आरक्षण का प्रस्ताव रख चुके हैं, जिसमें अगली जाति के लिए 14% का आरक्षण शामिल है। तो देखा आपने कि किस तरह से आरक्षण की सीमा जो है वो 50% तक है, लेकिन राजस्थान में 68% तक आरक्षण रखने की जो मांग है वो की जा चुकी है। और अब आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि किस तरह से OBC जो कैटेगरी के लोग हैं उनको किस तरह से आरक्षण मिला हुआ है। सामाजिक स्तर की बात करें तो वो जाति जो आजीविका के लिए शारीरिक श्रम पर निर्भर करती है, इस तरह से जो पहचान है वो पिछड़ा वर्ग की गई है। सामाजिक स्तर पर बात करें तो राज्य औसत से ऊपर कम से कम 25% महिलाओं और 10% पुरुषों की शादी 17 साल से कम आयु में हुई हो। और साथ ही जिस अगर आर्थिक स्तर की बात करें तो जिस जाति के परिवार की संपत्ति के औसत मूल्य के कम से कम 25% राज्य के औसत आय से कम हो। साथ ही आर्थिक स्तर की अगर बात कर रहे हैं हम लोग तो कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों की संख्या राज्य की औसत संख्या से 25% ज्यादा हो। और साथ ही पीने का पानी लाने के लिए उसे कम से कम आधा किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। तो इस तरह से पिछड़ा वर्ग की पहचान की जाती है। आर्थिक स्तर पर शिक्षा के स्तर की बात करें जो कि बेहद जरूरी है, उन जातियों के 5 से 15 साल की आयु के बच्चों की संख्या का 25% राज्य औसत से ज्यादा हो। उन जातियों के बच्चों की संख्या जो स्कूल छोड़ने के मामले में राज्य औसत से 25% ज्यादा है, उनके शिक्षा के स्तर पर इस तरह से उनकी पहचान की जाती है। और आइए सुन लेते हैं विजय सोनकर शास्त्री का क्या कुछ कहना है। मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए बीजेपी के विजय सोनकर शास्त्री जी हैं। शास्त्री जी, जिस तरह से आरक्षण का मुद्दा लगातार संवेदनशील मुद्दा बना रहता है भारत में और गाहे बगाहे सर उठाता रहता है, क्या कहेंगे आप, कुछ बदलाव होना चाहिए अब इसमें? यानी सामाजिक ताकत दलितों को कैसे दिया जाए, एक ब्राह्मण के पास, एक क्षत्रिय के पास या अन्य अन्य लोगों के पास जो एक सामाजिक ताकत है वो ताकत दलितों में नहीं है, वो ताकत दलितों को कैसे ट्रांसफर किया जाए, क्या इस पर हमारे देश में अभी बहस भी प्रारंभ हुआ है? मुझे बड़ा दुख होता है कि अभी ये सब प्रक्रिया ही नहीं प्रारंभ हुई है। अगर आरक्षण की बात की जाए तो आरक्षण को लेकर हमेशा से एक चर्चा होती रहेगी, क्या इसको जाति आधारित ही रखा जाए या फिर आर्थिक स्तर पर ऐसे लोगों को आरक्षण दिया जाए जो आर्थिक स्तर पर पिछड़े हुए हैं, आप क्या मानते हैं? देखिए, दलित समस्या तो आर्थिक समस्या है नहीं, इसलिए इसको आर्थिक से कैसे जोड़ सकते हैं? तो सवाल तो ये है कि अगर उनके अनक्लीन ऑक्यूपेशन को समाप्त किया जाए, अस्वच्छ व्यवसाय को, और तब उनको अगर हम अस्पृश्यता के जाल से बाहर निकालते हैं तो उनके साथ स्वाभाविक रूप से। जी हाँ, ये थे विजय सोनकर शास्त्री जी, पूर्व सांसद और प्रवक्ता वर्तमान में बीजेपी के। हम बात करेंगे बीजेपी के नेता, उत्तराखंड से हमारे साथ हैं उमेश अग्रवाल जी।
उमेश अग्रवाल जी, आपसे हमारा ये सवाल है कि जिस तरीके से आपके जितने भी नेता हैं उनको भी हमने सुना, और 2013 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात करी थी आरक्षण को लेकर के उसको भी हम लोगों ने सुना, दोनों के बीच में एक विरोधाभास है। एक तरीके से आप कह रहे हैं, आपके दोनों जो नेता हैं वो, और आपको भी अभी हमने सुना, आप सभी आदमी आरक्षण को इसी हालत में भी रखने देने का सपोर्ट कर रहे हैं किसी न किसी फॉर्म में। आपके बोलने का तरीका अलग है, शब्द का चयन अलग है, लेकिन आर्थिक आधार पर आरक्षण हो इसको लेकर के बात आप नहीं कर रहे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साफ तौर पर कहना है कि हम इतना विकास करें, हम यानी सरकारी स्कूलों में सुविधाएं इतनी बढ़ा दें, हम जो विकास का लेवल इतना आगे कर दें कि कहीं आरक्षण जैसी कोई बात ही नहीं हो, रोजगार के अवसर इतने पैदा कर दें। तो क्या आपको लगता है कि अब तक या तो आपके जो नेता हैं उनकी बात आप तक पूरे तरीके से कन्वे नहीं की गई है, या आपके नेता जो कह रहे हैं उससे आप वाकिफ नहीं है, या नहीं तो आप पार्टी से अलग लाइन लेकर के चल रहे हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए, ऐसा है, बात पार्टी से अलग लाइन लेने की नहीं है। मैंने आपको बताया कि आरक्षण का मामला दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक हमारा राजनीतिक स्तर पर हम क्या बोलते हैं और वास्तविकता में हम क्या बोलते हैं। आज जिस प्रकार से क्या ये आप क्या कह रहे हैं, यानी राजनीति राजनीति झूठ बोलने के लिए है? उमेश जी आपने जो बोला, मैं आप उसमें, आप राजनीति मतलब झूठ बोलने के लिए है? आप कह रहे हैं राजनीति अलग है, वास्तविकता अलग है, क्या क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल जनता के सामने बैठे हुए हैं, राजनीति कोई झूठ बोलने के लिए चीज तो नहीं है? ये किसने कह दिया आपको राजनीति में झूठ बोलने के लिए? झूठ बोलने की नहीं है, नहीं आप कह रहे थे राजनीति में बात अलग होती है और वास्तविकता अलग होती है। हमारा एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी के लोग जो वास्तविकता होता है वो कभी बोलते ही नहीं। से मेरा मतलब पहले समझने की कोशिश करें आप मेरी बात। नहीं आप तो बिल्कुल सीधी बात कर रहे हैं ना, इसमें समझने की क्या जरूरत है? सामाजिकता की बात करते हैं हम, सामाजिकता की बात करते हैं, उस सामाजिकता की बात को हम कब तक करेंगे? हमें आर्थिक स्थिति में आर्थिक आधार पर भी बात करनी पड़ेगी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है, और मुझे लगता है कि हमें इस सामाजिकता के दायरे से बाहर निकलकर एक खुले आसमान में आना चाहिए, और जो लोग वास्तव में आर्थिक आधार पर पिछड़े हैं, जो आर्थिक आधार पर कमजोर हैं, जो वास्तव में छह भले अगड़े हैं, छह भले वो ओबीसी हैं, वो एससी हैं, एससी हैं, उन लोगों को वास्तव में उनके आर्थिक आधार पर उनको समर्थन मिलना चाहिए, ये मेरा मानना है। उमेश अग्रवाल जी, ये आपका मानना, मैं आपसे उमेश अग्रवाल जी मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूं, ये आपका मानना है, ये आपकी राजनीति है, ये आपकी पार्टी की लाइन है, क्या है ये जो आप कह रहे हैं, ये आपका मानना है या ये आपके पार्टी की लाइन है? तो अपनी जगह है, लेकिन 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 जहां तक देश की स्थिति, नहीं नहीं आप सीधा सवाल है, सीधा जवाब दीजिए उमेश जी, सीधा सवाल है, सीधा जवाब दीजिए, जो बात अभी आपने कही है जो आर्थिक आधार पे होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, आपके मानना ये पार्टी में, आप अपनी पार्टी की लाइन, मैं आपकी पार्टी की लाइन जानना चाहता हूं, आपकी पार्टी की लाइन क्या है? देखिए पार्टी की लाइन तो मेरे वरिष्ठ नेता अपनी बात कह रहे हैं, उदित राज जी ने अपनी बात कही है, सोनका शास्त्री जी ने अपनी बात कही है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपनी बात कही है, लेकिन कुल मिलाकर तो देश के जितने भी नेता के आधार पर अपने अपने विचार हो सकते हैं। जितने भी लोगों ने बात करी सबकी बातें अलग अलग है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, आपकी पार्टी ये इस लाइन पे चल रही है। ज्योति जी आपसे सवाल पूछना चाहेंगे हम, जिस तरीके से बीजेपी अभी कह रही है जो आर्थिक आधार पे, मेरे ख्याल से जो उमेश अग्रवाल जी है इनकी बात जो है बिल्कुल साफ नहीं लग रही है, मुझे लग रहा है इन्हें पूरा होमवर्क करके शायद उमेश जी नहीं आए हैं। ज्योति जी आपसे जानना चाहेंगे सीधी तरह, कांग्रेस की लाइन आपने कही कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है उस प्रावधान को फॉलो कर रहे हैं, आप बिल्कुल क्लियर है? बिल्कुल आपका क्लियर नहीं है उमेश जी, हम इनसे बात करेंगे। ज्योति जी से आपको आपकी लाइन क्या है, आपकी पार्टी की लाइन क्या है, आप ये बताएं। साफ तौर पर हमारे अभी चीफ प्रवक्ता भी जो लास्ट ईयर उन्होंने जो बात कही थी और पार्टी में भी जो बातें होती हैं उसमें उन्होंने साफ बताया था कि जो हमारा अभी एग्जिस्टिंग जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में इकोनॉमिक आधार पर रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है। कांग्रेस पार्टी भारत की कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रजातंत्र में और पार्लियामेंट में विश्वास करती है, तो अभी चूंकि वो इकोनॉमिकल आधार पर नहीं है तो ये विचाराधीन हमारे पार्टी के लेवल पर है। वो चूंकि रिजर्वेशन वही बात जो आपने पहली बात करी थी, अब हम डॉक्टर गौतम के पास जाएंगे, समाजशास्त्री डॉक्टर गौतम के पास जाएंगे। डॉक्टर गौतम, आपने कहा था कि क्रीमी लेयर से अगर बाहर भी चले आते हैं तो पर भी जो रिक्तियां हैं, जो जगह है वो भरी नहीं जा सकी है, आरक्षण का पूरा लाभ अभी तक समाज के जिस तबके को पहुंचना चाहिए पहुंचा नहीं है, क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी को, सरकार को एक टाइम फ्रेम सेट करना चाहिए कि इस टाइम फ्रेम में हम सभी का विकास, सबका साथ सबका विकास हम कर लेंगे, उसके बाद आरक्षण का जो दायरा है उसको जाति से उठा करके आर्थिक में तब्दील कर देंगे,
क्या कोई टाइम फ्रेम सेट करना चाहिए? डॉक्टर गौतम आपसे सवाल है। उन्होंने चार पांच साथियों ने कहा है, दरअसल नीति ये कहती है कि ये आरक्षण हमें जल्दी से जल्दी पूरा करके देश के सभी लोगों को बराबर लाना चाहिए था। 60 साल चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कभी भी गवर्नमेंट से ये प्रश्न नहीं किया है कि ये 60 साल क्यों लगे और इसको पूरा करने के लिए आप हमें टाइम दीजिए, इतने टाइम में आप करिए। बिल्कुल। दूसरी बात, एक पीड़ित व्यक्ति से नहीं पूछा जा रहा कि तेरी पीड़ा क्या है, यहाँ पीड़ा देने वाले लोगों से ये पूछा जाता है कि इसकी पीड़ा को कम कैसे किया जाए, ये बहुत बड़ा विरोधाभास है। बिल्कुल सही सही कहा। आज की तारीख में एक गाली सा बन गया है उस समाज के लिए जिसको आरक्षण का नाम दिया गया है, कोटे से कहा जाता है, उसकी एबिलिटी को देखा जाता है और अयोग्य नहीं होता वो। आज तक जितने भी ये लोग आए हैं जिन्हें कोटे के नाम से कहा जाता है, इन परसेंटेज अगर उनका आप कैलकुलेशन करें तो वो ईमानदार भी ज़्यादा मिलेंगे, काम के प्रति डेडिकेटेड ऑफिस में ज़्यादा काम देते होंगे, हेरा फेरी उन्होंने बहुत कम की होगी। लेकिन मैं इस बात पर उलझना नहीं चाहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल जो नीति है वो है इस देश को आरक्षण देने की, और जो नियति है राजनीतिक दलों की, और हमारा जो जिसे हम कह सकते हैं अगला वर्ग जो हर समय एक आर्थिक मुद्दे को लेकर आता है, बहुत बड़ा विरोधाभास है इसमें, और राजनीतिक दलों को अपनी नीति को के साथ जोड़ना चाहिए। आपके अंदर आपकी नियत नहीं है कि आरक्षण पूरा हो, इसे वोट की राजनीति नहीं बनने देना चाहिए, इसे देश की विकास की राजनीति बनाना चाहिए, ये आज की जरूरत है। देखिए आज से 40 साल पहले ये जो IAS आज बैठे हुए हैं, रिटायर हो रहे हैं, वो सब उस स्कूल से पढ़ के आए थे गांव के से, जहां से सभी के बच्चे पढ़ते थे, वहां ब्राह्मण का भी बच्चा पढ़ता था, ठाकुर का भी पढ़ता था, बनिया का भी, और इस अनुसूचित जाति का। लेकिन जैसे ही देखा गया कि ये लोग रिप्रेजेंट करने लगे, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। दूसरा, आपने सबसे बड़ा विरोधाभास इस समाज के साथ किया कि गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चों को आप 10th तक प्रमोट करते रहेंगे, उनकी अटेंडेंस का भी कोई रोल नहीं है। आज एक मिड डे मील के नाम से, नो डाउट ये एक विश्व की एक समस्या है कुपोषण, उसको पूरा करने के लिए एक नीति लाई गई है कि इनको मिड डे मील मिलना चाहिए, लेकिन उस मिड डे मील में बच्चे सिर्फ उस कमरे की तरफ देखते हैं जहां से मिड डे मील मिलता है। गांव में मैंने जाके देखा है, और वहां से जैसे ही खाना मिला बिल्कुल गौतम साहब लेते ही, गौतम साहब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन एक एक चीज है जो राजनीति की बात आपने करी, गौतम साहब आपने जो राजनीति की बात करी कि पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा बिल्कुल और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, आपसे कि राजनीति की बात आप कर रहे हैं, आरक्षण के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं, आपसे जानना चाहिए क्या जो रीजनल पार्टियां खासतौर पे मंडल के बाद जो सत्ता में आई थी, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव हुए, चाहे लालू यादव हुए, चाहे नीतीश कुमार हुए, चाहे देवेगौड़ा साहब हुए कर्नाटक में, ये जितनी भी पार्टियां जो रीजनल पार्टियां जब सत्ता में आई थी तो मंडल के बाद आई थी, 1990 के बाद जो ये सत्ता में आई थी और वो OBC की राजनीति करके आई थी, तो आपको क्या लगता है अभी भी जिस तरीके से आप देखें उत्तर प्रदेश में रीजनल पार्टियां जो मुलायम सिंह यादव हैं अभी सत्ता में है पावरफुल है, क्या ये रीजनल फोर्सेस जो हैं वो आरक्षण के काम में अड़ंगा डाल रहे हैं, आरक्षण को पूरा करने में अड़ंगा डाल रहे हैं, इसी की रोजनीति चूंकि राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, तो क्या आपको लगता है रीजनल पार्टियां कहीं ना कहीं बाधक है इस आरक्षण के गोल को पूरा करने में? देखिए मैं तो यही कहूंगा कि इस आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही आपकी। बिल्कुल बिल्कुल अब आ रही आवाज आपको गौतम साहब? हाँ, अब आ रही। मैं सीधा सवाल ये पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है कि रीजनल पार्टियां जो है वो जो आरक्षण का जो गोल है उस गोल को पूरा होने में बाधक सिद्ध हो रही है? ये बात अगर मैं ईमानदारी के साथ कहूं तो रीजनल पार्टियां जो आरक्षण के नाम से मंडल के नाम से जो आई हैं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती थी कि समाज में को एजुकेट करें, समाज के नौजवानों को इस योग्य करें कि
कि वो एजुकेट होकर के अपने आप को कह सकें कि हम भी देश के नंबर वन के नागरिक की हैसियत रखते हैं, वो जनरल के साथ में कम्पीट कर सकें। लेकिन ये जितनी भी राजनीतिक दल बने मंडल कमीशन के बाद, उनकी मानसिकता अपने सत्ता में आने की तो रही, लेकिन सत्ता का पूरा लाभ समाज को देने की तरफ नहीं रहा है। और यहाँ तक है कि आज की तारीख में सभी लोग इस बात को मान रहे हैं कि जो राजनीति में एक जिस करैक्टर को लेकर के लोकसभा में भी और अन्य क्षेत्रों में भी बात होती है कि आज ये दबंगी और जो राजनीतिक दबंगी है उसमें कहीं ना कहीं इस योग्यता को नकार दिया है और उस कार्य को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया है। आज जिनकी जिम्मेदारी थी कि हम समाज को डेवलप करेंगे, समाज में एक नई सोच देंगे, आज वो सिर्फ एक चीज के लिए लड़ते हैं कि मेरा एमएलए कैसे बनना चाहिए, मेरा एमपी कैसे बनना चाहिए, मेरी सरकार कैसे बनना चाहिए। और बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कि वो अपनी उस पर योग्य नहीं साबित हुए हैं। इसलिए नौजवानों को आगे आना पड़ेगा, उन्हें सोचना पड़ेगा। और राष्ट्रीय स्तर पर मैं ये नहीं कहता कि छोटी छोटे दल हैं या बड़े दल हैं, आपको राष्ट्रीय नीति के अनुसार आरक्षण को लागू करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि अब हर वोटर जाग गया है। बहुत ज्यादा देर नहीं होगी, चाहे छोटा दल हो या बड़ा, उसकी मजबूरी नहीं, उसकी पहली आवश्यकता होगी कि गांव के हर नौजवान को, जो चाहे वो दलित हो, चाहे उसे अति दलित कह दीजिए, चाहे पिछड़ा अति पिछड़ा कह दीजिए। गौतम साहब, आपकी आपकी बात को मान रहे हैं, आपकी बात को सुन भी रहे हैं, और इस बीच सुन लेते हैं लोगों का क्या कुछ कहना है, लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इस मसले पर। डेवलपमेंट दैट इज क्विट नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, सबका बराबर विकास होना चाहिए, यही हमारा प्रधानमंत्री जी का भी नेतृत्व में ही कहा जाता है। बाकायदा वैसे मैं ये नहीं कहता कि मैं एक डिप्लोमेटिक व्यू रखता हूँ इसके ऊपर कि रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, रादर बल्कि रिजर्वेशन देना चाहिए जो इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड क्लासेज हैं उनको तो मिलना चाहिए। जी, रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है अभी वो काफ़ी हद तक सही है, बस इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है, जो टाइम के साथ चेंजेस होने चाहिए थे वो हुए नहीं है, बाकी ये ठीक है और आगे भी ठीक ही है। कुछ क्रीमी लेयर होते हैं, जैसे कोई आईएएस ऑफिसर है, उसका बेटा है, उसके पास वो बेनिफिट है क्योंकि वो अवेयर है इस चीज़ से, लेकिन आज भी काफ़ी सेक्शन, काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको ज़रूरत है इस चीज़ की और उनको नहीं पता, तो जब तक उनको रिजर्वेशन मिलेगा नहीं तो हम उन्हें उठा नहीं सकते, हम उनको अपनी डेवलपमेंट में मेनस्ट्रीम नहीं कर सकते, तो रिजर्वेशन ज़रूरी है उन लोगों के लिए। अगर हम स्टार्टिंग से देखें, मतलब एससी और एसटी कंडीशन अभी तक ज़्यादा उतनी सुधर नहीं पाई जितनी सुधर जानी चाहिए थी, लेकिन अगर ओबीसी को देखते हैं तो मतलब वो काफ़ी हद तक मतलब लेवल पे आ भी गए हैं, सो कॉल्ड लेवल प्लेइंग फील्ड इज नेसेसरी फॉर देम एंड दे हैव अचीव दैट, बट एज फार एज एससी एंड एसटीज आर कंसर्न दे आर नॉट अप टू द लेवल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस। जिनकी इकोनॉमिक स्थिति अब सही हो चुकी है रिजर्वेशन के कारण, जैसे कि अभी मीना कम्युनिटी है, उनका हर एक मेंबर आईएएस आईएएस सबसे ऊपर हो गए हैं, हर एक बंदा उनका मतलब अच्छी पोस्ट पे है, तो उनको अब रिजर्वेशन बंद कर देना चाहिए। तो हर एक बंदा जैसे कि जो डिजर्विंग है, जो देखे कि इनकी इकोनॉमिक स्थिति है वो जो ठीक है या नहीं है, उस हिसाब से ये रिजर्वेशन देना चाहिए, ना कि ऐसे ही दे दो कि जैसे अब मैं, हमारा घर भी परिवार सारा सही है, सभी आईएएस हैं, एमबीबीएस है, डॉक्टर, और हमें रिजर्वेशन दे दो, तो ये बात सही नहीं है। हर एक डिजर्विंग आदमी को ही हमेशा रिजर्वेशन की सुविधा देनी चाहिए। जो भी, जी हाँ, तो जिसको जरूरत हो उसे रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ये कहना है लोगों का, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। और इस कार्यक्रम को समय की कमी के चलते यहीं समाप्त करना होगा। हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, ज्योति सिंह जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर गौतम आपका बहुत बहुत शुक्रिया वंदे मातरम में हिस्सा लेने के लिए, और साथ ही विजय कुमार सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उमेश अग्रवाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें कार्यक्रम यही समाप्त, बिल्कुल, तो अभी समय की कमी के कारण अपने प्रोग्राम को यहीं खत्म कर रहे हैं, लेकिन आपको छोड़े जाते हैं हम पब्लिक पंच के साथ। नमस्कार। मोदी रजनीकांत से, आप ऐसा कौन सा काम है जो नहीं कर सकते? रजनीकांत, मैं रोबोटिक्स में मनमोहन सिंह को कभी नहीं हरा सकता। राहुल, मेरे पास माँ है, बहन है, नीतीश है, बुखारी है, मदनी है,
तुम्हारे पास क्या है? मोदी, मेरे पास रजनी है। सोनिया गांधी राहुल से, बेटा अब तुमने पार्टी का क्या सोचना है? राहुल, मम्मी अभी तो कांग्रेस हारी है और आज ही पार्टी करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। राहुल गांधी कहते हैं कि कांग्रेस कोई पार्टी नहीं, एक सोच है। और विद्या बालन कहती हैं कि जहां सोच है वहीं शौचालय है। बड़ा कंफ्यूजन है भाई। प्रियंका भारती? हाँ। ए शारदा, विमल, हरिया सब इधर आओ। ये प्रियंका, बहुत नाम है इनका।